स्टूडेंट, आज जो हमारी MS Excel से क्लास है उसमें जो है हमने क्या करना है, उसमें हमारी फॉर्म ही पे काम करना है हमने, लेकिन फॉर्म में बटन्स पे काम करना है। हम अपने कस्टमाइज बटन्स जो हैं वो बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसकी कंट्रोलिंग लगाएंगे, उस पर फंक्शंस लगाएंगे, उसके इवेंट पे काम करेंगे, हम बटन्स की फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे, बटन्स की आप जो अलाइनमेंट पे काम करेंगे और बटन्स बनाना सीखेंगे और बटन्स से कंट्रोल करवाएंगे कि अगर न्यू का बटन है तो न्यू रिकॉर्ड लेकर आएगा, डिलीट का बटन है तो डिलीट रिकॉर्ड करेगा, इंसर्ट का बटन है तो इंसर्ट करेगा, नेक्स्ट का बटन है तो नेक्स्ट करेगा, प्रीवियस का बटन है तो प्रीवियस करेगा, तमाम फंक्शन भी परफॉर्म करेगा और उसके डिज़ाइनिंग भी हम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस पे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल हमने बना के इसका फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। फॉर्म क्रिएट करना आप सबको आता है, लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। अब हम बटन कैसे बनाएंगे, बटन हम डिज़ाइन व्यू पे बनाएंगे। आपको यहाँ से लेबल में बता चुकी हूँ और आपको यहाँ से मैं रेक्टेंगल बता चुकी हूँ, ठीक है। लेबल और रेक्टेंगल हमारा हो गया है। अब जो हमें काम करना है बटन्स पे काम करना है, ये बटन्स है हमारे पास, ठीक है। बटन को समझ लीजिएगा इसे अच्छी तरह से। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि हम बटन्स को नीचे से इस पर काम कर सकें। सबसे पहले मैं यहाँ पर आती हूँ, ये बटन पे आपका आ गया। यहाँ पर आके इसको जो है आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बटन की आपका विजिट एक खुल जाता है, जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड नेविगेशन के ये बटन्स हैं, रिकॉर्ड ऑपरेशंस के ये बटन्स हैं, फॉर्म ऑपरेशंस के ये बटन्स हैं, रिपोर्ट ऑपरेशंस के ये बटन है, एप्लीकेशन का ये बटन है और मिसलिनियस में अगर आप करना चाहें, क्वेरी वगैरह को रन करना चाहें तो उसका बटन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ जाते हैं, रिकॉर्ड नेविगेशन में आ जाते हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन में लेने के बाद आप यहाँ पर कौन सा देखिए, इसमें फाइंड नेक्स्ट आपको लगाने का फ़ायदा नहीं है, फाइंड रिकॉर्ड आप लगा सकते हैं, जिसमें रिकॉर्ड नंबर आप डालेंगे तो वो फाइंड करके आपको ले देगा। लेकिन अभी हम फिलहाल गो टू फर्स्ट पे जाते हैं, गो टू नेक्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट का बटन बना रहे हैं। इस पर जब आप नेक्स्ट करेंगे, ये देख रहे हैं पिक्चर आप नेक्स्ट की आ रही है, अगर आप लास्ट करेंगे तो ये आ रही है, अगर आप फर्स्ट करेंगे तो ये आ रही है, पिक्चर सबकी चेंज हो रही है इसके लिहाज से, ठीक है ना। गो टू नेक्स्ट, नेक्स्ट किया मैंने। अब ये कह रहा है आपको नेक्स्ट देना है या नेक्स्ट आपको टेक्स्ट लेना है या आपको नेक्स्ट की पिक्चर लेना है। आपको अगर विजुअल लेना है तो आप नीचे वाले लेंगे, आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड करना है तो आप ये वाले लेंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ से जो है इसकी पिक्चर लेनी है और मैंने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये बैक पे या शो अलाउ में हमें नहीं जाना है, क्योंकि आपके आपको वही अभी यूज़ करना है जो यहाँ पर मौजूद है। शो अलाउ में आप अपनी मर्जी से बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी यहाँ पर ये ले रहे हैं और यहाँ पर ये आ गया। इसको कमांड 19 नहीं रहने देते हम, इसको जब चेंज करते हैं, जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस पर, तो हम अपने लिहाज से इसका नाम रखते हैं ताकि प्रोग्राम में उसको कॉल करवा सकें उस नाम से, ठीक है ना। फिनिश कर दिया आपने, फिनिश करने के बाद आप यहाँ आ गए, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको रन करती हूँ तो ये बटन मेरा काम करेगा, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट का बटन आपका आपका अपना कस्टमाइज किया हुआ बटन यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से आप प्रीवियस बटन बनाएंगे, ये उठाएंगे आप, यहाँ पर ले लिया आपने, यहाँ पर आप आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपका जो है यहाँ पर प्रीवियस बटन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको क्लिक किया आपने बटन को, अब देखिए आपके सामने ये अच्छा हो गया, कभी इस तरह से ये बटन ना आया आपका, ठीक है ना। अभी मैं डिज़ाइन मोड पे हूँ ये, और मेरा बटन नहीं आ रहा है, ठीक है। वरना ऑन मोड पे तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आपकी जो है लेने में हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने लिया तो यहाँ पर ये आ रहा है, अगर कभी नहीं आया आपका बटन, ठीक है ना, यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह से आ रहा है। अभी मैं बताती हूँ इसको नहीं आया अगर आपके पास तो कहाँ से लेना है। आप जो है यहाँ पर नेक्स्ट के बाद प्रीवियस बटन पे आ जाएं। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ जाएं, इसको नेक्स्ट कर दें, प्रीवियस का बटन आपके सामने आ गया, नेक्स्ट कर दें और फिनिश कर दें। यह आपका प्रीवियस का बटन आ गया। प्रीवियस का बटन इसलिए बड़ा है कि हमने यहाँ पर ले लिया इत्तेफाक से। ये जो है जब टेबल के अंदर आपका आएगा तो ये इतना ही बड़ा आएगा, आपको टेबल के बाहर लेना था, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं हम अपने डिस्क पे और यहाँ पर आके इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। डिलीट करके हम जो है इस पर नहीं आएंगे हम, ये वाली चीज़ जो है इसको रिकॉर्ड को आपने राइट क्लिक करके डिलीट रो कर दें इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आ गया। अब हम इसी डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं डिज़ाइन पे और हम जो है यहाँ पर जो है मैं नेक्स्ट हो गया मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड, प्रीवियस ये मेरा, फिर नेक्स्ट किया, अभी मैं पिक्चर ही ले रही हूँ, ठीक है, टैब वो नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर आ गए,
यह आ गया आपका प्रीवियस और यह आ गया नेक्स्ट। आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना के भी उसके अंदर रख सकते हैं बटन, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल बना लें उसके अंदर रख लें, फिर एक रेक्टेंगल जितना अच्छा आप बनाना चाहें आप सब काम कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट आ गया और ये आपका प्रीवियस आ गया, दोनों बटन काम कर रहे हैं आपके, ठीक है ना। अब ये कह रहा है पीछे इसका है नहीं रिकॉर्ड, कोई है नहीं, जाहिर सी बात है ये 2004 से ही आ रहा है। अब आपने ये देख लिया इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, कभी आपका जो है यहाँ पर बटन आप कर रहे हो और बटन नहीं आ रहा हो, जैसे यहाँ पर आपने लिया और यहाँ पर ये बटन का नहीं बन रहा है, ये नहीं खुल रहा है, कंट्रोलर नहीं खुल रहा ना, आपका बटन तो बन रहा है कंट्रोलर नहीं खुल रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाके यूज़ कंट्रोल पे चेक लगा, मतलब क्लिक कर देना है आपने, इनेबल कर देना है उसे, वो भी डिसेबल है, ठीक है। और दोबारा से हम ले लेते हैं इसको, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ ले लेंगे, ठीक है, खुल गया, सही है। अब यहाँ पर इसी में मैं लेती हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट किया मैंने, मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको टेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट और फिनिश। आपका यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड आपने यहाँ दे दिया, ठीक है ना, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड आप दे देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको प्ले करके बता दूँ, नेक्स्ट आ गए, प्रीवियस आ गया और फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया, 2004 पे आ गया, ठीक है ना। इसी तरह लास्ट रिकॉर्ड आप कर देंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है ये चीज़ दे सकते हैं। तो अब मैं लास्ट रिकॉर्ड नहीं बता रही हूँ, आ गया ना आपको। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर बटन पे, और बटन पे आने के बाद डिज़ाइन करती हूँ मैं बटन, और बटन डिज़ाइन करके मैं यहाँ पर जो है इसमें ये सारी चीज़ों के फाइंड रिकॉर्ड में आप जाएंगे, फाइंड रिकॉर्ड में मैं पिक्चर ही ले रही हूँ ये वाली, आप चाहें तो फिर वो टैक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या फिनिश किया, अब फाइंड रिकॉर्ड में जो है यहाँ पर आ जाते हैं और देखें, अगर मैं प्रीव्यू करती हूँ यहाँ पर, ये आ रही हूँ मैं, प्रीवियस कर दिया ना मैंने नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब मैं इससे फाइंड करवा रही हूँ 205 का रिकॉर्ड, ठीक है, सही है, 208 का रिकॉर्ड, 8 नहीं है, ठीक है ना, ओ 208, ठीक है ना, 206 का रिकॉर्ड, ये फाइंड हो रहा है, सही है, आ गया समझ में। तो यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा आपका और ये आ जाएगा, सही। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में, क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब मैंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करके मैं आ गई अपने डिज़ाइन व्यू पे, तो आपको फाइंड का भी आ गया, ये तो पोर्शन हो गया आपका। अब नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपसे कही थी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लें और रेक्टेंगल को हम जो है स्पेशल इफेक्ट दे दें कोई, ठीक है, ये स्पेशल इफेक्ट मैंने दे दिया। अब इसके अंदर मैं बटन बना लूं और मैं आ जाऊं रिकॉर्ड ऑपरेशन पे, रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट बनेगा, प्रिंट से प्रिंटर आपका आ जाएगा, अभी प्रिंटर तो हमारे पास है नहीं, सेव से रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ऑटोमेटिक भी सेव होता है, अंडू से अंडू को हम यूज़ करेंगे या क्लियर के लिए। चले पहले हम न्यू ऐड करते हैं यहाँ पर, आप ये न्यू रिकॉर्ड का, ये आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें टेक्स्ट कर लें, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया ऐड रिकॉर्ड, अब यहाँ पर एक और बटन ले रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड हो गया, अब मैं ले रही हूँ डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट डुप्लीकेट आप खुद लेकर देखेंगे, ठीक है, ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया, देखिए चला के देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक न्यू रिकॉर्ड ऐड किया मैंने यहाँ पर 333, यहाँ पर ऐसे ही दे दिया, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आऊँ तो ये मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है, और यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करूँ तो ये मेरा सबसे लास्ट रिकॉर्ड कौन सा है, सबसे लास्ट रिकॉर्ड मेरा ये, इसको मुझे डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड डिलीट हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर ये प्रीवियस है और ये नेक्स्ट में ये ख़त्म, सही है, आ गया समझ में। तो ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया, और ये देखिए मैंने फ्रेम के अंदर बनाया है, फ्रेम के अंदर आ गया। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर देख रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम, और हम क्लियर का बटन एक बना लेते हैं। क्लियर का बटन बनाने के लिए हम अंडू का बटन यूज़ करेंगे, जो क्लियर के लिए अगर आप लगाएंगे तो कोडिंग आपको यूज़ करना पड़ेगी, कोडिंग अभी मैं नहीं करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, कोडिंग में फिर वो प्रोग्रामिंग में आ जाएगा आपका। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर ये क्लियर बटन को यूज़ करते हैं नेक्स्ट,
और यहाँ पर जो है हम यहाँ ले रहे हैं रीसेट रिकॉर्ड कर दें या क्लियर रिकॉर्ड, क्लियर रिकॉर्ड करेंगे रीसेट नहीं होगा क्लियर, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये दे दिया सही है, अंडू की कमांड इस पर लग रही है, इसके बैक एंड पे अंडू है, यहाँ पर ही आ गया क्लियर रिकॉर्ड, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देती हूँ, देखिए ये उसी वक्त होगा जब कोई ऐड रिकॉर्ड आप कर रहे होंगे, बने बनाए पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आ गए ऐड रिकॉर्ड, आपने यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर ये दे दिया, इसके बाद यहाँ आ गए। अभी आपने टाइप तो कर लिया लेकिन सही नहीं लग रहा, तो आपने क्लियर कर दिया सही है, यानी अंडू हो गया वो चीज़ सही है। तो यहीं पर होगा जहाँ भी आप एंट्री कर रहे होंगे वहाँ पर ये चीज़ होगी आपकी, ठीक है ना, ये चीज़ आपकी यहाँ होगी सही है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। अब यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, साइम इन लोग को लिफ्टिंग वाला समझा दें, लिफ्टिंग वाला सिंगल पेज, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चीज़ हो गई। अब आप नीचे आ जाते हैं, हम नीचे हम कोई बटन लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो ये इस तरह से ले लें, आप मैं कुछ नहीं ले रही, मैं आपको सिर्फ समझाना है मुझे। अब इसमें से देखिए यहाँ पर ये सारे आप करेंगे, ये छोड़ के ये सारे रिकॉर्ड ऑपरेशन में आप सारे ही देखेंगे, ठीक है ना। प्रिंटर आ जाएगा, प्रिंटर में कैंसिल करना है आपने, प्रिंट नहीं कर दीजिएगा नहीं तो प्रिंटर वो ढूंढता रहेगा, ठीक है। आपने कैंसिल करना है, यहाँ पर बता देती हूँ मैं, नहीं तो आप कहीं लगा के बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका, अगर मैं यहाँ पर वो करती हूँ, अब आप यहाँ पर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर ओके नहीं करना क्योंकि प्रिंटर नहीं लगा है, बल्कि इसकी पीडीएफ बना देगा ये, आप करेंगे तो इसको इसकी पीडीएफ बना देगा ये, और पीडीएफ बनने के बाद क्योंकि प्रिंटर हमारा लगा नहीं है, ये डायरेक्ट इसकी पीडीएफ बना के आपको यहाँ पर कहाँ पर सेव करना है, आपको न्यू फोल्डर में यहीं करना है, ओके कर देती हूँ मैं सेव, और यहाँ पर फॉर्म की आपकी पीडीएफ बन गई है, देखते हैं हम क्या बनाया है इसमें, डॉक्यूमेंट ये कस्टमर रेफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये एक अगर प्रिंटर लगा होगा तो डायरेक्ट प्रिंटर में चला जाएगा, और प्रिंटर नहीं लगा होगा तो ये आपकी पीडीएफ क्रिएट कर देगा, ये देखिए जितने आपके यानी कि एक फॉर्म दो पेज पे आया हुआ है ये, तो दो पेज पे हो गया, आप इसकी सेटिंग कर लीजिएगा, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा वो हो रही है, ठीक है ना। इसको सेटिंग करके और आप बल्कि सेटिंग क्या करना है, लैंडस्केप लेना है वहाँ से हमें, ठीक है ना। लैंडस्केप पर जब हम करेंगे तो लैंडस्केप पर आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर लैंडस्केप आपका कहाँ से आएगा, यहाँ पर लैंडस्केप आपका पेज सेटअप से आएगा, पेज सेटअप आपका जो है यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके जो है अरेंज, अरेंज में नहीं है, डिज़ाइन में नहीं है, डिज़ाइन टूल एक्सटर्नल क्रिएट होम फाइल, यहाँ से भी आएगा लेकिन ये पेज सेटअप आपका अभी हाथ के हाथ देख लेते हैं ना कहाँ पर है, यहीं से आता है ये पेज सेटअप, प्रिंट आपका जो है ना जहाँ आएगा वहाँ पर देगा, ये सेव एक्सपोर्ट, यहाँ पर ये सेव इंपोर्ट, ये आ गया यहाँ पर मोर, ये एचटीएमएल आ गया, यहाँ पर आ जाए रिलेशनशिप वीडियो, यहाँ पर एट डिज़ाइन रेंज फॉर्मेट, राइट क्लिक करके मैं जाती हूँ यहाँ पर एक कंट्रोल पी, ये आ गया प्रिंट, ठीक है ना, और कंट्रोल पी करके तो मैं सेटअप में जाऊँगी, और सेटअप में जाके तो मैं यहाँ पर लैंडस्केप, लैंडस्केप नहीं आ रहा है ना कहीं, लेकिन यहाँ है लैंडस्केप, रिपोर्टिंग में आता है दरअसल वो, लेकिन यहाँ से भी आपका आना चाहिए प्रॉपर्टी, ये आ गया इसमें गिरा, ठीक है ना, लैंडस्केप, लैंडस्केप करके ओके किया मैंने, ओके करके इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखते हैं हम, ठीक है इसी पे कर देती हूँ मैं रिप्लेस, ओके ओवरराइट हो गया ही, कंट्रोल पी करके मैंने लिया था प्रिंटर और वहाँ से प्रॉपर्टी ले ली थी, सही है। ये देखिए
ठीक है। अब फॉर्म लंबा है तो ये आपके जो इतने रिकॉर्ड हैं वो सब आ रहे हैं इसमें, देख रहे हैं आप इसको। अगर मैं ये कर दूं यहाँ पर, ये देखिए, लेकिन ये आपका लैंडस्केप पे ही आ रहा है, सही है ना। और ये इतना आपका जितना पेज है, ये तो पेज इससे छोटा है, हमें और बढ़ाना है पेज। जब आप बना के देख लें फिर आप और बढ़ा लें पेज, ठीक है ना। और ये देखिए जितने रिकॉर्ड हैं उतने आपके फॉर्म बन गए, सही है। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा, समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ बता दी है कि इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए पेज हमारा छोटा है ना, आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ तक है पेज, ठीक है। और नीचे आते हैं हम, तो नीचे भी आपका जो है तकरीबन थोड़ा हमें नीचे करना है, ठीक है ना। बाकी तो हम इसको रहने देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसीलिए वो कटा हुआ आ रहा था, यहाँ पर हमने लैंडस्केप कर दिया है ना। अब लैंडस्केप में आपका सेटिंग चेंज हो गई है, वो हमारा पहले पोर्ट्रेट था, जो हमारा ये था ये हमारा पोर्ट्रेट था। प्रॉपर्टी में जाके अगर मैं यहाँ पोर्ट्रेट करूँगी तो ये मेरा पोर्ट्रेट पे सेटिंग थी ये जो थी, ठीक है ना। ओके कर दिया मैंने, ओहो कैंसिल, अभी मैं देख नहीं रही हूँ इसे, ठीक है ना, कैंसिल कर रही हूँ। सही है जनाब। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसके बाद यहाँ आ गए हम। अब यहाँ पर हमने जो है इसकी वही सेटिंग करनी है कि आपने ही ले लेना है यहाँ पर। अब बटन्स हम देख रहे थे, बटन्स पे आ जाते हैं, इंसर्ट। आप इसको जब सेट कर देंगे ना, ओके कर देंगे, तो वो दोबारा से आपकी सेटिंग आ जाएगी पोर्ट्रेट वाली जो मैंने अभी की है, अभी ये लैंडस्केप वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हम जाते हैं और यहाँ पर हम डिज़ाइन में जाके, इनको आ गया समझ में, ठीक है ना। डिज़ाइन में जाके हम यहाँ पर बटन्स लेते हैं, बटन्स में आपका ये आ गया। और यहाँ पर जो है रिकॉर्ड ऑपरेशन में अब आ गया, अंडू सेव वगैरह। फॉर्म में आएगा कि क्लोज फॉर्म करना है, ओपन फॉर्म करना है। अगर फॉर्म आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट, क्या आप चाहें तो यहाँ पर टेक्स्ट ले लें, चाहे तो इसकी पिक्चर ले लें। क्लोज कर दिया आपने, ये क्लोज फॉर्म का आ गया। एक मैं ओपन फॉर्म ले रही हूँ, ओपन फॉर्म में पूछेगा कितने, जितने फॉर्म आपके बने होंगे उसमें से वो पूछेगा कि कौन सा फॉर्म ओपन करना है। तो फॉर्म आपके बन के सेव होने चाहिए, ठीक है ना। जब सेव होंगे तो तभी वो आपका लेगा। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एक ही फॉर्म बना हुआ है, अगर यहाँ सारे फॉर्म बने होंगे तो यहाँ सब आ रहे होंगे, तो आप किसको खोलना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी तो ये ओपन फॉर्म में एक ही बना हुआ है तो एक ही ले रहा है ये मेरा, ठीक है ना। ओके यहाँ पर ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्लोज फॉर्म हो गया, सेव करना है और या नहीं करना, नो करना है, कैंसिल कर रही हूँ मैं। अब यहाँ से क्लोज फॉर्म ले रही हूँ, ओपन फॉर्म ले रही हूँ। ओपन क्या ऑटोमेटिक हुआ है, अगर एक से ज़्यादा फॉर्म होंगे तो वो ओपन कर देगा आपका, ठीक है। आप अपने उस पर लगा के देखिएगा, दो तीन फॉर्म जहाँ बने हो वहाँ पर करके देखेंगे आप, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आ गई आप लोगों को, सही है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, अब आ जाते हैं हम नीचे बटन्स पे, बटन्स पे आते हैं। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारे बटन्स की। अब आप ये समझ लें आपके टेस्ट का वो समय हो गया है, मैंने सिलेबस आपको पूरा करवा दिया है। इसमें से अगर प्रिंट करवाना होगा तो प्रिंट ले लेंगे, करंट वर्न छोड़ दीजिएगा, रिफ्रेश भी छोड़ दीजिएगा, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है डेटा, ठीक है ना। अगर आप लगाना चाहें तो लगा दें। रिपोर्ट में आप जाएंगे, ओपन रिपोर्ट, यहाँ भी रिपोर्ट आपकी बनी हुई होनी चाहिए। प्रीव्यू रिपोर्ट देखोगे आप, अगर आप ओपन रिपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ओपन रिपोर्ट का एक बटन बना देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट कौन सी रिपोर्ट आपको चाहिए, इसकी रिपोर्ट चाहिए, इस टेबल की। नेक्स्ट कर दिया आपने, फिनिश कर दिया, ये एक रिपोर्ट बन गई आपकी। अगर मैं यहाँ पर जो है एक प्रीव्यू ले लेती हूँ, प्रीव्यू रिपोर्ट, यहाँ पर आ गई मैं रिपोर्ट में, और यहाँ पर एक प्रीव्यू ले लेते हैं प्रिंट, और ये आपको पता है सेंड जो है जब होगा, जब आपकी वो फाइल वो होगी। प्रीव्यू रिपोर्ट पे आते हैं, प्रीव्यू रिपोर्ट मुझे जो है वो टेबल 5 की लेनी है। नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। ये आपकी जो है नाम आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपकी ओपन रिपोर्ट है, ये प्रीव्यू रिपोर्ट है। अब देखते हैं हम खोल के, ओपन रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट बना के दे दी, इसने ओपन कर दी, लैंडस्केप है ना इससे आ रहा है, ठीक है ना। और आप यहाँ पर जाते हैं और आप इसको लेते हैं, ये आ गई, ये आपकी रिपोर्ट है, इसको क्लोज कर दें, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आ जाएँ प्रीव्यू पे, प्रीव्यू पे आके इसको जो है प्रीव्यू रिपोर्ट करें। आप किसकी प्रीव्यू देखना चाहते हैं, अभी आपके पास यहाँ पर पेज भी वो कह रहा है आपकी ख़राब है, ये प्रीव्यू दे दिया आपके, जो टेबल आपने वहाँ से सेलेक्ट किया उसकी प्रीव्यू रिपोर्ट आ गई, सही है, आगे समझ में। तो इस तरह से आप जो है सारी क्वेरीज को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। अब आ जाते हैं, देखिए सारे बटन मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है, क्योंकि मैं टेस्ट में फिर आप लोगों की जो है ना सही से क्लास लूँगी, ये समझ लीजिएगा आप।
ठीक है ना, यहाँ पर आ गए हम। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, सिर्फ बताया है, अब आपका काम आ रहा है जो मुझे चेक करना है। यहाँ पर जो है आप ये करके देख लीजिएगा, रिफ्रेश वगैरह रिपोर्ट आपकी हो गई। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में अगर एक्सिट आपको बंद करना, मिसलिनियस में आपको जाना नहीं है। पहले ये बटन आपके सारे काम के, उसमें से कोई ऐसा बटन हो जो आपको लगे तो ले लीजिएगा, वरना है नहीं कोई ऐसा बटन। यहाँ पर स्टॉप ले लेती हूँ क्विट एप्लीकेशन, ठीक है ना, आपने नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया, ये एक बटन आपका ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर क्विट एप्लीकेशन, तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये सेव करना है या नहीं। मुझे नो कर दिया मैंने, ठीक है ना, मुझे कोई सेव नहीं करना, बस ये ख़त्म हो, सही है। अब ये चीज़ आपकी हो गई है, इतनी चीज़ मैंने करा दी है, पूरा आपका एक्सेस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब सारे बटन सब पे आपने कमांड्स लगानी है और काम करना है आपने। वो काम आप जब कर लेंगे तो इसके बाद जो है आपकी तमाम चीज़ें हो जाएंगी। आपको मैं 2 दिन दे रही हूँ, आज क्या है, बुध मंगल बुध जुमेरात, 2 दिन है आपके पास। इन 2 दिनों में अपनी सारी चीज़ें रिविज़न कर लें, यहाँ पर असाइनमेंट्स आपको मैं दूंगी। मैं मंडे से आपके टेस्ट लूँगी, ठीक है, मंडे से आपके टेस्ट हैं, और वो टेस्ट में एक एक चीज़ में पूछूंगी, आपने मुझे करके बतानी है, ठीक है।